रांची के सांसद सह एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ ने लगातार दूसरे दिन जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। आज जनसंवाद कार्यक्रम की चांडिल प्रखंड के तामुलिया गांव से शुरू हुआ। तामुलिया में ग्रामीणों से मिलते हुए सांसद ने केंद्र सरकार के लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी और चुनाव में समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान और सदन में क्षेत्र की मुखर आवाज बनने में मतदाता अपनी सहभागिता निभाएं। सांसद ने कहा कि सदन में जनता की आवाज बुलंद करने के लिए उनका समर्थन करें। सांसद संजय सेठ बुधवार को तामुलिया के बाद बंधुगोड़ा, कपाली बस्ती और कई अन्य क्षेत्रों में पहुंचे और समर्थकों से अपने लिए वोट की अपील की। दो दिनों से पूरे ईचागढ़ विधानसभा में हम सब भाजपा आजसू के कार्यकर्ता हर पंचायत में जा रहे हैं और पिछले 5 सालों से हम सब चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना का पीएम नहीं, हम सब कार्यकर्ता लगातार संपर्क में रहे। कोरोना में भी हम सब ने, आप सब ने देखा, मीडिया में देखा होगा, कोरोना में भी जब मौत सामने खड़ी थी, हम सब भाजपा कार्यकर्ता आजसू कार्यकर्ता सड़क उतर कर चाहे नमो सुरक्षा की पाटना हो जिसमें 2 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 2 मास्क, चाहे नमो आहार बांटना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर, हरलाल जी एम्बुलेंस, दवाइयाँ, हम सब कार्यकर्ता डरे नहीं, मौत से भी नहीं डरे और हम सब कार्यकर्ता सेवा भाव से लगे। अब दूसरी ओर कांग्रेस ने झेमक का एक भी कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरा। हम सब प्रधानमंत्री के उस मंत्र को नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, नर सेवा करेगा तो नारायण की सेवा हो जाएगी, उस मंत्र को उतारे हम सब। और लगातार आप देखो विस्थापित का समस्या था, 5 सालों में 5-6 बार लगातार चांडिल डैम का विषय पर संसद में हमने आवाज उठाई, कैसे विस्थापितों को न्याय मिले, कैसे विस्थापितों को जो 5-4-5 पीढ़ी खड़ी हो गई उसको उसका जीवन स्तर कैसे उठे, लगातार हमने आवाज उठाई, किंतु करना राज्य सरकार को है। राज्य सरकार वादा खिलाफी करती है, यहीं पे हेमंत सोरेन वादा करके गए थे विस्थापितों को न्याय देंगे, विस्थापित आयोग बनाएंगे, नहीं बनाया, 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता दे, नहीं दिया, 1 रुपए में 50 लाख की रजिस्ट्री झारखंड की बेटी लोग की होती थी उसको हटा दिया तुरंत, 5-5 हजार रुपए एकड़, हमारी जब रघुवर जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, 5-5 हजार रुपए एकड़ देते थे 25 हजार रुपए, उसको भी जैसे ही ये लोग आए हटा दिया। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2-2 हजार रुपए करके 6 हजार रुपए हम सब किसानों को प्रधानमंत्री दे रहे, गरीब कल्याण योजना के तहत 5-5 केजी राशन दे रहे, आयुष्मान भारत दे रहे, माने मोदी का गारंटी। और मोदी की गारंटी देखो, आप बेटी लोग से पूछो कैसे मोदी की गारंटी, चाहे शौचालय के रूप में हो, प्रधानमंत्री आवास के रूप में हो, गैस चूल्हा सिलेंडर के रूप में हो, विश्वकर्मा योजना के रूप में हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के रूप में हो, मोदी हर जगह हर जगह काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाना, लेकिन झारखंड की सरकार पूरी तरह विफल है। 10 हजार करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया हर घर नल लगाने के, लेकिन झारखंड सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 41% ही काम आया। क्यों? मनसा गलत थी ना, जनता प्यासी मर जाए हमको नहीं देना क्योंकि मोदी का नाम हो गया, यह राजनीतिक द्वेष झारखंड सरकार ने किया। अब झारखंड के सरकार को पाप लगेगा, जल्द ही लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, भाजपा आजसू की सरकार आएगी, तब जल्दी से जल्दी कोई घर नहीं बचेगा जहां हम नल नहीं दें, नल से शुद्ध पानी नहीं दें, यह हम सबका संकल्प है। संजय सेठ ने ग्रामीणों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में शौचालय बनवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया, महिलाओं के सुविधा के लिए गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया, देश में रोजगार के अवसर प्रदान किए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को सशक्त किया, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ प्रदान किया। वहीं झारखंड की सरकार अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है। गठबंधन की सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक साल
5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसका क्या हुआ? झारखंड के गठबंधन की सरकार ने यहाँ के गरीब किसान व युवा के साथ धोखा देने का काम किया है। बुधवार को भी सांसद के जनसंवाद कार्यक्रम में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो भी साथ थे। वहीं दूसरे दिन लोगों से मिलने के दौरान भाजपा नेता व कार्यकर्ता को सांसद से दूर बैठे देखा गया। ऐसे में ग्रामीण खुलकर सांसद से मिलकर अपनी बातों को रखा।